हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज शाम की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम को 5 बजे हम लोग एक क्लास लेकर आते हैं, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 या 40 क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं। तो आज की हम लोगों की क्लास सुपर टेट 2020 की तैयारी पर आधारित है। और साथ ही साथ दोस्तों, आज की क्लास हम लोगों की खंड शिक्षा अधिकारी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यह आपकी क्लास नंबर 11 है। आज की क्लास में आपके लिए कवर किए जाएंगे सामान्य अध्ययन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे विशेष प्रश्नों का, पूरा 30 प्रश्नों का सेट होगा। और आपके 1000 चुनिंदा प्रश्नों की पूरी सीरीज चल रही है, जिसकी क्लास नंबर 11 है। इसके पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं, उन सभी क्लासेस को जरूर देखेगा। और बाकी क्लासेस आपके लिए सुपर टेट के लिए, बीईओ एग्जाम के लिए सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है, और अन्य क्लासेस भी लेकर आते हैं जो आपके सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उन क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, उन क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक एक क्वेश्चन देखते रहिए और आंसर करते रहिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, वैशाली में विश्व का सबसे पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, जो कि प्राचीन काल की बात है। और ये वैशाली में जो गणतंत्र स्थापित किया गया था, किस साम्राज्य के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, इसका आपका देखिए पहला क्वेश्चन, इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लिच्छवी साम्राज्य के द्वारा। और ये बात हो रही है 6ठी शताब्दी की, और बिहार में है वैशाली, वहाँ की बात हो रही है। सबसे बड़ा से पहला गणतंत्र जो है लिच्छवी शासन के द्वारा यह किया गया था, और चुनाव प्रणाली भी लागू की गई थी। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया, यह कथन किस प्रसिद्ध शासक का है। तो दोस्तों, कथन पूछा गया, बहुत अच्छा कथन है। और मारवाड़ युद्ध की विजय के बाद ये शेरशाह सूरी जी ने कथन बोला था। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, शेरशाह सूरी ने GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, एक तरफ आपको कुछ पत्रिकाएं वगैरह दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके संपादक या उनको लेखक दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन आपका V.R. अंबेडकर से इंडिपेंडेंट का है, दूसरा आपका है बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी का राष्ट्र गोफ्तार। तो दोस्तों, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका पहला ऑप्शन गलत दिया गया है, जबकि इंडिपेंडेंट जो पत्रिका आपकी या कह सकते हैं न्यूज़पेपर था, ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इलाहाबाद से संपादित किया जाता था। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, अगला आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्दी से, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना जीवाश्म ईंधन में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है, ये आपको बताना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। तो दोस्तों, जो जीवाश्म ईंधन में सबसे स्वच्छतम ईंधन माना जाता है वो आपका प्राकृतिक गैस होता है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि जीवाश्म ईंधन सभी किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन एक लिमिटेड मात्रा में होते हैं, जो कि एक लिमिट के बाद समाप्त होने वाले होते हैं, जिस वजह से अब इन पर रोक लगाई जा रही है, या कह सकते हैं धीरे धीरे इनके जो खर्च किया जा रहा है उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। और अभी मैंने आपको जो करंट अफेयर की क्लास थी उसमें 2-3 दिन पहले पढ़ाया था कि जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, तीसरे नंबर पर सर्वाधिक जो नुकसान हुआ है, लगभग कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नुकसान था, वो पूरा नुकसान तीसरे नंबर पर भारत रहा, जो कि जीवाश्म ईंधन से होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ये सुबह की क्लास में करंट अफेयर की क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये 10 दिसंबर 1948 को घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, इसके जनक कौन हैं। तो भारतीय विदेश नीति के जो जनक माने जाते हैं, जो कि
भारतीय विदेश नीति को आगे बढ़ाने वाले माने जाते हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी, जिसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले 1927 में ब्रुसेल्स सम्मेलन के दौरान अपने विचारों को व्यक्त करते हुए विदेश नीति की आधारशिला रखी थी, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर, कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इनमें से कौन बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पढ़िए चार ऑप्शन और जल्दी से आंसर करिए। इस प्रकार क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सी नंबर ऑप्शन, देखिए क्या दिया गया, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यह बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जनसंख्या में वृद्धि होना, कौशल का अभाव होना और जनशक्ति नियोजन का अभाव होना, ये सभी आपके बेरोजगारी को जन्म देते हैं। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है? बेरोजगारी के जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, वो कौन सी संस्था करती है? तो ये जो संस्था करती है उसका नाम है NSSO, ये मैं आपको पहले की क्लासेस में बता भी चुका हूँ, तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है, किससे की जाती है? भारत जो मानव शरीर होता है उसके अंदर रोगों की पहचान हम किसके माध्यम से करते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को का आंसर मालूम होगा, तो दोस्तों एंडोस्कोप के द्वारा भीतरी रोगों की जांच की जाती है, इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इनमें से किस चीज़ का प्रयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं करते हैं, जो कि नाभिकीय संयंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जो आपके कह सकते हैं हम लोग नाभिकीय जो ऊर्जा देने वाले कुछ तत्व होते हैं उनमें से किसका नाम नहीं होगा? तो देखिए कैल्शियम इसके अंतर्गत नहीं होता है, बाकी यूरेनियम हो गया, थोरियम, प्लूटोनियम हो गया, इन सभी को नाभिकीय संयंत्र में नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, सी नंबर ऑप्शन इससे अलग हो जाएगा कैल्शियम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर, वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो वृद्ध होने की प्रक्रिया होती है इसके अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे जेरेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सीधे सीधे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो है, काफ़ी लोग एंथ्रोपोलॉजी बता रहे होंगे, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव प्रजाति के अध्ययन को, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहा जाता है आपका वृद्ध होने की प्रक्रिया को, तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, फूड से संबंधित जो रिसर्च किए जाते हैं, खाना से संबंधित, उसका जो सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इंस्टीट्यूट जो है, वो इनमें से किस स्थान पर स्थित है? सभी संस्थान आपको बहुत अच्छे से याद कराए थे, एक नंबर आपका 100% हर बार पूछा जाता है, जो कि आपको EVS के अंतर्गत पढ़ाया गया था। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका ए नंबर ऑप्शन मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन जैव तकनीकी का उत्पाद है? तो दोस्तों जैविक तकनीक के द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद तैयार किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है और ये देखिए गोल्डन चावल हो गए, चावल की प्रजाति जो जैव तकनीक से उत्पादित की जाती है, फ्लेवर सेवर टमाटर और BT कपास, ये तीनों ही इसके अंतर्गत बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, इसलिए इसका आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त सभी, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर, मोटा अनाज रागी एक अच्छा स्रोत है, किस चीज़ का अच्छा स्रोत होता है? मोटा अनाज जो रागी के नाम से जाना जाता है, इससे हमको क्या चीज़ प्राप्त होती है सबसे मुख्य रूप से? तो इसका आपका देखिए डी नंबर ऑप्शन है, कैल्शियम। कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है रागी, इसका दूध से भी हमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम प्राप्त होता है, याद रखिएगा, पनीर से, दूध से, और कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है? दोस्तों सुपर टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, पिछली बार भी और साथ ही साथ यूपी टेट में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, और साइंस जिस प्रकार की पिछली बार आई थी वो बिल्कुल जो पढ़ाया गया था उससे हटके आई थी, इसलिए इस बार हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें सभी अमीनो अम्ल
प्रमुखता से पाए जाते हैं वो आपका अंडा होता है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में आरटीई 2009 किस तिथि को लागू किया गया था? आरटी यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बाल विकास के अंतर्गत सबसे अच्छे ढंग से सबसे ज़्यादा बार पढ़ाया गया क्वेश्चन है आपको। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो कि पारित किया गया था, इसे किस डेट को लागू किया गया था? इसके अंतर्गत आपको बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और यह आपका 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको बाल विकास में भी जरूर देखने को मिलते हैं। एनसीएफ आरटीई सीटेट के सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से एक माने जाते हैं। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो दोस्तों ब्रिक्स देश जो है, इनकी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक इन देशों के माध्यम से तैयार की गई है, उनकी अधिकृत पूंजी यानी कि कुल मिलाकर उसमें कितनी पूंजी रखी जा सकती है इस प्रकार के बैंक में? तो इसका आपका जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 100 करोड़ डॉलर है। सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। आपको अंत में क्वेश्चन का आंसर भी देना है तो इसलिए अच्छे से प्रत्येक चीज़ को साथ में ही याद करते रहिए और कवर करते रहिए। 18 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। पूरे आपके 30 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे और याद कराए जाएंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, विठूर महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों आपको मालूम है विठूर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक कह सकते हैं हम लोग जो 1857 की क्रांति का प्रमुख शहर में से एक था। तो ये जो विठूर महोत्सव होता है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता? कानपुर शहर के में बसा हुआ एक ये एरिया है जहाँ पर विठूर महोत्सव होता है। तो इसका आपका 18 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर। आपको गलत कथन को चुनना है। 3 कथन सही दिए गए, गलत वाला आपको चुनना है। कौन सा पढ़िए? केरल भारत के प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही बात है। नेवेली तमिलनाडु का प्रमुख तापीय शक्ति उत्पादन क्षेत्र है, यह भी सही है। रत्नागिरी बॉक्साइड खनन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है, तो यही वाला आपका गलत दिया गया, सी नंबर ऑप्शन। बाकी असम सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आपका जो गलत कथन दिया गया वो आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक वातावरण पर केंद्रित है? तो इनमें से कौन सी बुक है जो आपकी वातावरण पर केंद्रित है, वातावरण पर आधारित बुक दी गई है? तो पढ़िए जल्दी से और आंसर करिए। तो दोस्तों इसका आपका देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका बी नंबर ऑप्शन साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है ये आपके पर्यावरण वातावरण पर आधारित पुस्तक है और बुक के लेखक का नाम है रचेल कॉर्सल। ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये याद रखिए पर्यावरण पर आधारित पुस्तक है ये। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों संविधान के अंतर्गत बताए गए मूल कर्तव्यों में से कौन एक कर्तव्य नहीं दिया गया है वो आपको बताना है। जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और आंसर करिए। कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है इस बात का ध्यान रखना है, जो नहीं है वो वाला आपको चुनना है, जल्दी से बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसका का डी नंबर ऑप्शन दिया गया, अनिवार्य सैन्य प्रदान करना, यह कोई भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं दिया गया है, आपको यही याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पर। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बुक का नाम थोड़ा बड़ा है, जल्दी से पढ़िए और बताइए किसके द्वारा लिखित ये बुक है। भारतीय जो संसद है उस पर आधारित पुस्तक है ये। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन और इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मीरा कुमार जो कि भूतपूर्व स्पीकर रह चुकी हैं लोकसभा की, इनके द्वारा रचित पुस्तक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 22वें क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? टायरों में जो हवा भरी जाती है उनमें कौन सी गैस का प्रयोग इसमें किया जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका बी नंबर ऑप्शन हल्की गैस होती है, हीलियम गैस का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद करिएगा और अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन को समझते रहिएगा। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आपके खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए और साथ ही साथ सुपर टेट के लिए कराए जा रहे हैं। डेली आपके लिए
सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें आपके डेली के डेली 15 से 13 14 जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको पूरी व्याख्या के साथ हल करते हैं। उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को अच्छे से देख कर तैयार कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन को कवर करते रहिएगा। पूरी अच्छे से तैयारी होती है और आपके साथ ही साथ सीटेट की तैयारी भी लगातार चल रही है, उन क्लासेस को भी देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक सीटेट का फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, 2 मार्च लास्ट डेट है। अगला क्वेश्चन है 24वां, क्या दिया गया, मानव के बाल एवं नख में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। नख मतलब नाखून, बालों में और नाखून में इनमें से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। तो दोस्तों केराटिन आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, केराटिन प्रोटीन जो होता है वो बाल मानव शरीर में बाल में और नाखून में विद्यमान रहता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया। तो दोस्तों स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा जो है ये सबसे पहली बार जो लहराया गया था ये आपका बी नंबर ऑप्शन है, 31 दिसंबर 1929 को सबसे पहली बार तिरंगा को लहराया गया था, याद रखिएगा। अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी। तो दोस्तों हिंद स्वराज एम के महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में लिखी, जल्दी से बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका बी नंबर ऑप्शन है 1909 में लिखी थी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल एंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, प्रत्येक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी और आप लोग एक एक चीज़ साथ में ही कवर करते चल रहे होंगे। साथ ही साथ अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज का आपका क्वेश्चन है दोस्तों, जो अभी हमने आपको ब्रिक्स देश बताए थे, ब्रिक्स देशों का समूह इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आपको अधिक से अधिक संख्या में पूरी व्याख्या के साथ कमेंट बॉक्स में करना है। कल की क्लास में आपको आज के क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और जिसका कमेंट सबसे सटीक रहेगा उसका कमेंट पढ़ के उसका नाम लिया जाएगा। तो आप लोग सटीक से कमेंट करके आंसर करिएगा और बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है। गांधीवाद की जो विचारधारा थी वो किनसे प्रभावित रही है, जल्दी से बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं और इसका आप लोग देखिए रस्किन से भी, थोरो से और टॉल्स्टॉय, इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी से प्रभावित रही है। अगला क्वेश्चन विज्ञान का है, किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इनमें से कौन सी एक चीज़ होती है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन है, विटामिन ए का शरीर हमारे का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, याद रखिएगा। अगले बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर, एंजाइम जो होते हैं मूलतः क्या होते हैं, एंजाइम किसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने आपको बहुत बार पढ़ाया एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पिछली बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको जरूर अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन यहां से जरूर देखने को मिल जाएंगे। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, देखिए जल्दी से, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, यकृत और मांसपेशियों में कौन सी ऊर्जा जमा होती है। अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन और इसका आपका देखिए डी नंबर ऑप्शन, ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जो होती है वो और मांसपेशियों में जमा होती है। पूरे आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जल्दी से बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और जहां कहीं भी आपको डाउट हो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लासेस कैसी लगी, ब्रिक्स देशों का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बहुत अच्छा बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर जरूर आने चाहिए। अब तुरंत जाइएगा करंट अफेयर की आज की क्लास व अन्य क्लासेस का लिंक आपको नीचे दिया गया है, उनको भी तुरंत देखना जारी कर दीजिए और मिलते हैं कल सुबह 7 बजे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।